फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिकल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने निकल के आ चुकी है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिकल के अंदर क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 105 सेंटर की लिस्ट यहां पर जारी हुई है। और यहां पर सबसे पहले अगर आपने ये नोटिस नहीं देखा तो यहां पर देख सकते हैं इस नोटिस के अंदर, ये पहले मैं नोटिस आपको बता देता हूं, ये डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सीआईएसएफ ने ये नोटिस अपने दूसरे सीआईएसएफ सेंटर को भेजा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं कि इस नोटिस के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है आपके दो एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फिजिकल को लेकर। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपको ये आपने नोटिस देख लिया होगा, अब यहां पर इसके अंदर क्या बात लिखी गई है वो आपको डिटेल वाइज में हिंदी के अंदर बताने वाला हूं। तो यहां पर आप ध्यान से देख पाओगे कि इस नोटिस के अंदर क्या क्या मुख्य बातें बताई गई है, क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैंने पहले से ये सारी चीजें अच्छे से तैयार कर रखी है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मतलब जो भी आपने पिछले फोटो देखी थी, इस फोटो में एक आधिकारिक पत्र दिखाया गया है जो सीआईएसएफ के अधिकारियों को भेजा गया है। ठीक है, इसके बाद में इस पत्र में कांस्टेबल जीडी 2024 की भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी के आयोजन की बात कही गई है। कौन से नोटिस में? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ठीक है, इसके बाद में पत्र में तीन मुख्य बात कही गई है। कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कही गई है? कि संबंधित पत्र प्राप्त होने की पुष्टि करे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। मतलब डिपार्टमेंट के लोगों को यह भेजा गया था, सीआईएसएफ के एक सेंटर से दूसरे सेंटर को भेजा गया था, और पहले पॉइंट के अंदर क्या कहा गया था कि संबंधित पत्र प्राप्त होने की पुष्टि करें, मतलब यह पत्र हमने भेजा, इसकी जांच कीजिए। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे पीएचटी पीटी के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से कर ले। ठीक है, मतलब फिजिकल की जो भी व्यवस्थाएं है जो सेंटर के ऊपर की जाती है वो पहले से आप तैयार कर ले, क्योंकि फिजिकल जल्द आपका जारी होने वाला है। इसके बाद जैसा कि पिछली भर्तियों में किया गया था, ठीक है, पिछली भर्तियों में जैसे आपका फिजिकल होता उसी प्रकार। इसके बाद में प्रस्तावित पीएचटी पीईटी केंद्रों के पते की पुष्टि करे और किसी भी गलती या विसंगति के बारे में तुरंत सूचित करे। मतलब अपनी सारी जो अरेंजमेंट है आप पहले से तैयार कर लीजिए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारे को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, इसके बाद में यह पत्र सीआईएसएफ और अन्य बलों के अधिकारियों को निर्देश देने के लिए लिखा गया था। ठीक है, ये था पहला नोटिस। मैं आपको नोटिस एक बार फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में आपको डेट भी बताई गई है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये नोटिस था और ये राउरकेला भेजा गया था, एक मुंडेली भेजा गया था जो सीआईएसएफ के सेंटर है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप आगे देखोगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 अगर नई वाली वैकेंसी के यहां पर तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। इस बुक से आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको 3300 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, 13 आपको सोल्ड पेपर मिल जाएंगे पुराने। ठीक है, जितनी भी भर्तियां हो चुकी है। इसके बाद में 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है, और न्यू एग्जाम पैटर्न यानी जो 80 क्वेश्चन वाला है उसके ऊपर ये बुक डिजाइन की गई है। तो अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहां पर कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एक बार बुक आपको अंदर से दिखा देता हूं। इस प्रकार की बुक है, सबसे पहले आपको जितने भी पुराने पेपर है वो देखने को मिलेंगे, उसके बाद में नीचे उसका आपको डिटेल वाइज यहां पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और यहां पर सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन किया गया अल्टरनेट मेथड के साथ। मान लीजिए एक तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरा तरीका देख के आसानी से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा यहां पर बेहतर बना सकते हैं। इसकी और भी बुक मार्केट के अंदर है तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक्स का लिंक दे रखा हूं, जाइए और खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर मैंने आपको पहला नोटिस दिखा दिया था जिसके अंदर आपको यह बात बताई गई थी कि एक सीआईएसएफ सेंटर से दूसरे सीआईएसएफ सेंटर को भेजा गया था और उसके अंदर बताया गया था कि आप फिजिकल की तैयारी जल्द मतलब शुरू कर लीजिए। ठीक है, फिजिकल होने वाला है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे को वापस सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप दूसरा नोटिस देख सकते हैं, 16 अगस्त 2024 को यह नोटिस जारी हुआ था। ठीक है, और गृह मंत्रालय के द्वारा ये सभी नोटिस में आपको बताते हैं, डिपार्टमेंटली नोटिस होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आपकी भर्ती की सारी डिटेल दी गई है। अब यहां पर इस नोटिस के अंदर क्या बात बताई गई है वो भी मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूं। ये सारे मैंने पहले से तैयार कर रखा है ताकि आपको यहां पर ज्यादा समय नहीं लगे वीडियो देखने के अंदर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या बात बताई गई है, यहां पर बताया गया कि जो दूसरा फोटो है उसके अंदर क्या बात बताया गया, ध्यान से देखना। इसके अंदर आपको यह बात बताया गया कि जो सीआईएसएफ के सभी सेक्टर, यानी ये एक नोटिस है जो आधिकारिक पत्र दिखाया गया है। आधिकारिक पत्र का मतलब होता है डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को, और ये सीआईएसएफ के सभी संबंधित सेक्टर अधिकारियों को भेजा गया है। पत्र में कांस्टेबल जीडी 2024 की सीएपीएफ एसएसएफ और एसएम राइफल में भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब फिजिकल पीटी पीएचटी के यहां पर जानकारी दी गई है। अब यहां पर दो मुख्य बातें क्या बताई गई है, यहां पर पहली बात है कि पीएचटी पीटी केंद्रों में संशोधन के तहत सीआईएसएफ को 5 केंद्र आवंटित किए गए हैं जहां हर दिन 1500 उम्मीदवारों का परीक्षण होगा।
ठीक है, यहां पर आपका पांच सेंटर इस प्रकार बनाए गए जहां पर मतलब सीआईएसएफ के पांच सेंटर बनाए गए जहां पर कितने कैंडिडेट का फिजिकल होगा, 1500 कैंडिडेट का, ठीक है। इसके बाद में नीचे आप देखोगे ये केंद्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में स्थित हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये जो भी जितने भी ये सेंटर है इनके अंदर RFID से आपका फिजिकल करवाने की बात भी कही गई है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर बताया गया कि RFID से इन पांच सेंटर के अंदर यहां पर 1500 कैंडिडेट का डेली फिजिकल होने वाला है। पांच सेंटर कौन कौन से, मैंने ये भी आपको बता दिया है, नीचे भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश SSG ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तराखंड BHEL हरिद्वार, इसके बाद में आंध्र प्रदेश, इसके बाद में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यहां के ये पांच सेंटर है। यह पत्र PST PET के सुचारू आयोजन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता है, ठीक है। तो ये बात थी इस नोटिस के अंदर, ये जो आप नोटिस देख रहे हैं इसके अंदर यही बात बताई गई थी। ये मैंने आपको हिंदी के अंदर आसानी से समझाने के लिए यहां पर ये मतलब PDF बना के आपको बताया, ठीक है। इसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे इस प्रकार एक नोटिस आपको और देखने को मिला था, मतलब कल से ये जो नोटिस है ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैंने सोचा कि अगर इनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो डिटेल वाइज आपको समझा के वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या कही गई है, तो यहां पर मैं आपको इसका भी हिंदी रूप बता देता हूं। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर बताया गया कि इस फोटो के आधिकारिक पत्र का हिस्सा दिखाया गया है, मतलब ये आधिकारिक पत्र का एक कोई हिस्सा है जिसमें सीआईएसएफ द्वारा आयोजित होने वाले शारीरिक मानक परीक्षण PST और शारीरिक दक्षता परीक्षण PET के लिए चयनित केंद्रों की जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं क्या बात कही गई है, ध्यान से देखना। CRPF ने बताया है कि यदि RFID से यदि RFID के लिए फर्म का पैनल अंतिम रूप से नहीं दिया जाता है, मतलब RFID का जो एजेंसी है अंतिम रूप से तैयार नहीं होती है, तब क्या होगा, तब यहां पर तो मैनुअल रूप से 105 PST PET केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनमें 22 केंद्र सीआईएसएफ को आवंटित कर दिए गए। यानी मान लीजिए जो पांच सेंटर बताए हैं, ठीक है, या तो आपका यहां पर बताया गया है इस PDF के अंदर यही बात बताई गई है कि आपका जो फिजिकल है वो RFID से होगा, ठीक है। लेकिन एक नीचे बात यह भी बताई गई है कि मान लीजिए आपका फिजिकल RFID से नहीं हो पाता है, मतलब कोई भी कारणवश, तब यहां पर 105 सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, इनमें 22 केंद्र CISF को आवंटित किए गए, इन सेंटर के अंदर आपका फिजिकल होगा और वो कैसे होगा, मैन्युअली, यानी जैसे आपका पहले होता आया है उसी प्रकार होने वाला है, ठीक है, जिसमें बिहार राज्य के तीन केंद्रों के नाम और उनके पते दिए गए हैं, ये भी आपको देख सकते हैं। यह पत्र CISF के तहत होने वाली PST PET परीक्षाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है, ठीक है, यह बात यहां पर कही गई है। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट भी यहां पर दी गई है, ठीक है। तो अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर हमारा जो फिजिकल होने वाला है क्या वो जो RFID है उससे होगा या नहीं होगा, तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस नोटिस की सच्चाई बता देता हूं कि ये नोटिस आपका रियल है या फेक है। तो फ्रेंड्स नोटिस आपने देखा होगा, ये लगभग नोटिस मेरे को रियल ही लग रहा है। ये कब आता है, जब डिपार्टमेंट के मतलब डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को यह नोटिस भेजा जाता है, इस प्रकार के नोटिस तब जारी किए जाते हैं। अब इसके अंदर आपने ध्यान से अगर वीडियो देखा होगा तो दो बात बताई गई थी कि अगर RFID से होता है तो इन पांच सेंटर में होगा, ठीक है, पांच सेंटर मैंने आपको शुरू के अंदर बताए थे। अगर पांच सेंटर में RFID से फिजिकल नहीं होता है तो इन 105 सेंटर के अंदर PET PST आपका होगा, ठीक है। कितने सेंटर के अंदर, 105 सेंटर के अंदर, और पांच सेंटर मैंने आप 1500 कैंडिडेट वाला RFID का जो था वो यहां पर आप देख सकते हैं इन पांच सेंटर में होने वाला है। यहां पर यही बात बताई गई कि मान लीजिए RFID से नहीं भी होता है तब 105 यहां पर 105 सेंटर के अंदर आपका फिजिकल होगा जैसे पहले होता आया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और ये लगभग मेरे को 90% सही लग रहा है। ये मेरे को किसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने मेरे को ये नोटिस भेजा था, तो आई होप मेरे को ये तो लगभग सही ही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर एकदम सही बात बताई गई है कि मान लीजिए कि आपका RFID से नहीं होता तो 105 सेंटर में करवा दिया जाएगा, ठीक है, और अगर RFID से होता है तो इन पांच सेंटर के अंदर लगभग 1500 कैंडिडेट डेली यहां पर फिजिकल देंगे। तो यही बात यहां पर बताई गई है। अब यहां पर जल्द आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है और फिजिकल में आपको बता देता हूं लगभग सितंबर के सेकेंड वीक तक आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी फिर भी आपका डाउट है फिजिकल को लेकर, मेडिकल को लेकर, कट ऑफ को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का वहां पर रिप्लाई देता हूं। तो फ्रेंड्स आप मेरे पुराने वीडियो भी जाके देख सकते हैं, मैंने प्रत्येक बच्चे का वहां पर रिप्लाई दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।